सो हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप सभी का पाठशाला पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं शाम को इवनिंग में 7:30 PM पे, ठीक है। तो उसी क्लासेस में कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो रीजनिंग का, मानसिक योग्यता का क्लास होने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर भी जो सब टॉपिक आपके लिए चूज किया गया है वो है काउंटिंग फिगर्स का, ठीक है। हमारा जो सब टॉपिक है, ठीक है, वो काउंटिंग फिगर है। और उसके अंदर भी क्या है, रेक्टेंगल्स, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स के अंदर भी क्या चल रहा है, रेक्टेंगल्स, यानी कि आयत को हम किस प्रकार से गिनते हैं। आयत पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम कैसे काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं इसमें, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक चीज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मजा बहुत आने वाला है। सेशन शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी लोग ज्वाइन कर दो फटाफट। ये हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है BHU पाठशाला का, जिसपे कि आप कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्सेस में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करो। आपका जो भी ड्रीम है, सपना है, वो पक्का अचीव होना ही होना है, ठीक है। भगवान की कृपा है आप सभी के ऊपर, पक्का आप लोग जो भी गोल है वो अचीव करोगे, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो ही चुके हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पावर पैक सेशन होने वाला है एक, ओके। बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठ जाओ। जो लर्नर बिल्कुल बेसिक पहली बार सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है रीजनिंग सीखना, उन्हें भी हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है इस सेशन में, ओके। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमको रेक्टेंगल्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि रेक्टेंगल होता क्या है, आयत होता क्या है। हमने पिछले अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल्स के बारे में, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ज्यामितीय चित्र होता है, जो कि उसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। बात की जाए स्क्वायर की, तो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सबको ये बात पता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल है, कैन आई से दैट, हाँ जी बिल्कुल कह सकता हूं। हर एक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। देखो यहां पे लिखा भी है, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल की बात जब कही जा रही है, और किसी फिगर का ऑल साइड इक्वल है, पूरा ही साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर पूरा साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की जो रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको तो फुलफिल कर ही रहा है, तो इसलिए यह भी क्या हो गया, रेक्टेंगल होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि काउंट ऑल द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वहां पे अगर स्क्वायर का फिगर भी रहेगा तो उसको भी आपको रेक्टेंगल के कैटेगरी में ही काउंट करना है, ठीक है। इसलिए मैं इतनी बातें आपको बता रहा था अभी तक, ओके। हाँ जी, जितने लोग भी ज्वाइन किए हो, दम लास्ट तक बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग आंसर दोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल, बट नो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, ये बात भी जान लो। ये रेक्टेंगल है, इसको मैं स्क्वायर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, आप लोग जानते ही हो कि इसके ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, तो ऑल साइड इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट इतना जानो कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जहां भी स्क्वायर देखेगा उसको हमें रेक्टेंगल के कैटेगरी में काउंट करना है, ओके। तो क्या कहना, क्या कह रहे हो आप लोग, आगे कंटिन्यू किया जाए, ये सब तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, तो कंटिन्यू करें हम लोग, सेशन आगे बढ़ाएं। चलो फिर, ऑन योर डिमांड, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना है, बताओ फटाफट। सबका आंसर आना शुरू हो गया धीरे धीरे, गजब, इतना तेजी से आंसर कर रहे हो आप लोग, वाह भाई वाह, मजा आ गया एकदम देख के, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो आप लोग कि एक ये रेक्टेंगल हो गया हमारा पूरा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये कह रहे हो आप लोग। और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, और एक और कौन सा कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो लोग भी कह रहे हो ये कि लास्ट वाला बाहर वाला, ये क्या हो गया, थर्ड वाला, ठीक है, 1, 2 एंड 3 जो सबसे बड़ा है। सो द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर इज ओनली थ्री। अब हम लोग ये काउंट करके बताए हैं, ठीक है, सिंपल सा फिगर था तो काउंटिंग आसान था, तुरंत ही काउंट करके बता दिए। लेकिन हमको काउंट करने पे एक और बात पता चली है कि अगर वर्टिकल एक लाइन खींची गई है और दो कॉलम डिवाइड हो गए हैं, उसमें हम लोग नंबरिंग किए हैं, अगर इस नंबरिंग को ऐड कर देते हैं तो भी तो थ्री आ जाता है,
हमें काउंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर, 1 + 2 = 3। सेम आंसर आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आया कि वर्टिकल लाइन अगर बीच में ड्रॉ है और सिर्फ आपका एक स्ट्रिप टाइप का कोई भी फिगर है, ठीक है, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, आपको नंबरिंग करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके आपको फिर उसको ऐड कर देना है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन अभी इसी बेसिस पे मैं आगे चलता हूं, उसका आंसर आप दोगे बिना काउंट किए, काउंट नहीं करना है आपको, आपके पास चैलेंज ये है। बताइए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं ऑन योर स्क्रीन, आपको क्या करना है कि बिना काउंट किए, ठीक है, पेन चलाइए आप, लेकिन काउंट मत करिए, मतलब इसको ऐसे से गिनिए मत किए कि ये हो गया दो, ये सीधे सीधे आंसर बताइए आप कुछ सेकंड के अंदर अंदर। चलिए जी, बहुत लोग को समझ में आना शुरू हो गया है ये चीज़, आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो आप लोग, क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन्स कितनी ड्रॉ की गई हैं, दो वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 1, 2 और 3, थ्री कॉलम्स बन रहे हैं, हाँ जी। सो अगर तीन कॉलम्स बन रहे हैं, तीन नंबर यहाँ पे लिखा गया है हम लोगों ने, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए, पिछले हम क्या करते थे, जितने भी नंबरिंग है उनको क्या कर देते थे, ऐड, तो इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। जिसका जिसका भी 6 आ रहा था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल समझ चुके हो, 6 ही आ रहा है आंसर, वेरी गुड। ठीक है, 1, 2 और 3। अच्छा, अगर इस पर भरोसा नहीं है कि सही है, काउंट भी करके देख लेते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये 1, 2, 3 तो ऐसे ही दिख रहा सभी को, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4th, ओके, ये क्या हो जाएगा 5th, और लास्ट वाला तो सबको पता है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो कि बाहर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल जो कि बाहर वाला है, ये नंबर 6th हो गया 6। तो उतना अकाउंट करने का क्या मतलब था, जब हम लोग सीधे सीधे नंबरिंग को ऐड करके आंसर बता सकते हैं। चलिए, इसका आंसर किसका किसका आ चुका है, आंसर दो फटाफट, किसका किसका आना शुरू हो चुका है इसका आंसर, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। तो देखो, जो लोग नहीं कर पा रहे उनका देखो क्या करेंगे, देखो वर्टिकल लाइन हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें करना है क्या, जितने कॉलम्स है उसको नंबरिंग कर देना है, चाहे लंबवत रेखा खींची गई हो, चाहे क्षैतिज रेखा खींची गई हो, उस पर हमको परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे क्या करना है, नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, फटाफट से क्या करेंगे, प्रोसेस बताओ मेरे को, स्टेप बताओ, क्या किए हो आप लोग, क्या आप लोग का आंसर आया है, स्टेप लिख के बताओ मेरे को फटाक से, हाँ जी, क्या कह रहे हो आप लोग की, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, देखो तभी मजा आएगा, साथ साथ सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूँ, पेन कॉपी लेके बैठो। सो 1 + 2 = 3 हुआ, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, सो द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर इज 15, सही है क्या, सबका ये आ रहा था, चलिए बहुत अच्छा, देख रहे हो कितना सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट, अब 15 रेक्टेंगल्स को आप लोग काउंट करने जा रहे हो, तो क्या इतनी जल्दी कर पाओगे, अगर आप ये ट्रिक फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप लोग इसमें से कुछ ट्रायंगल मिस कर दो, ठीक है, होता है, अगर बार बार आप लाइनिंग कर रहे हो तो अगर आप काउंट करने जाते हो तो कुछ ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स मिस होने के चांसेस होते हैं, ओके, लेकिन आप ट्रिक से चलते हो तो कुछ मिस होना ही नहीं है, सिर्फ ऐड करना है आपको, सिंपल सा एडिशन जो कि बेसिक सा एडिशन है, सभी लोग जानते हो, कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आसान हो गया है अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हो तो। अब कितना ही कॉलम क्यों ना दे दे आप लोग जान चुके हो कि हमको नंबर्स को ऐड करना है, यहाँ पे 6 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे, 10 नंबर दे दे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हाँ जी, सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आगे चला जाए क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है, सबको समझ में आ चुका है कैसे बन रहा है क्वेश्चन, अभी हम लोग आगे भी इसका यूज करेंगे एक जगह पे, ठीक है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल समझ लो अभी, ओके, चला जाए आगे, ठीक है, फिर लीजिए कुछ दूसरे टाइप ऑफ, मतलब रेक्टेंगल में ही अब दूसरी कैटेगरी आ चुकी है आपके सामने, ओके, अब इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे बताइए, इस वाले फिगर का आंसर बताइए क्या आ रहा है आप लोग का, हाँ जी, आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा, क्या कह रहे हो आप लोग की, अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, जिन लोग का आंसर नहीं आ रहा वो लोग देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सीखना आप लोग, इसमें बॉक्सेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, हम लोग अच्छा 4 रेक्टेंगल तो बता दिए, ठीक है, फिर पांचवा क्या हो गया, ये अभी मैं काउंटिंग से चल रहा हूँ, अभी ट्रिक भी बताऊंगा, ये पांचवा हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो सबको ही समझ में आ रहा है,
देन आपका ये वाला क्या है, सेवेंथ हो गया, ये वाला जो है ये एट्थ हो गया, और एक और कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग, सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो बड़े वाले रेक्टेंगल को मिस नहीं करना। टोटल कितना हो गया, नाइन। नाइन सभी का आ रहा था क्या, बहुत अच्छी बात है। अब बिना इतना प्रोसेस किए हम लोग कैसे बता सकते हैं, मतलब काउंट ना करना हो, क्योंकि इस फिगर में देखो झमेला थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, कॉलम्स अधिक हो चुके हैं, इतना तो नौटंकी करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। और एंट्रेंस में क्या होता है कि टाइम आपके पास होता नहीं है ज़्यादा, तो टाइम बचाने के लिए क्या करना है, हमें ट्रिक को फॉलो करना है, और ट्रिक क्या होने वाला देखो बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंस्टेंस के लिए हम लोग ये नंबरिंग हटा देते हैं, ये भी और ये भी, ओके। अब देखिए आपको करना क्या है, वन और टू आपने यहाँ नंबरिंग कर दिया, हॉरिजॉन्टली आपने नंबरिंग कर दिया वन टू, वर्टिकली भी आपको नंबरिंग कर देना है वन टू, कर दिया नंबरिंग आप लोग। अब क्या करना है आपको कि इसके जितने भी हॉरिजॉन्टल नंबरिंग की है आपने उसको ऐड कर दीजिए, थ्री आ जाएगा, वन प्लस टू थ्री। वर्टिकल अगर नंबरिंग को ऐड करते हैं यहाँ भी थ्री आता है। अब इन दोनों को जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की जो एडिशन पे जो रिजल्ट आया था और वर्टिकल कॉलम्स के एडिशन पे जो रिजल्ट आया था, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक। आपको ट्रिक मिल गया, आप क्या करना है पता चल गया सभी को, समझ में आ गया, समझ में आ गया अगर तो फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देके बताओ, काउंट नहीं करना है आपको, इसे ट्रिक को अप्लाई करना है, आंसर निकालो और बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए जी, वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, आंसर सभी लोगों का आ रहा है, वन टू थ्री आपने किया, यही किया सबने, ठीक है। अच्छा प्रोसेस भी लिखते रहोगे ना तो आसानी होगी, प्रोसेस लिखते रहिए आप लोग, कैसे कर रहे हो, टू वन टू वर्टिकल कॉलम्स हैं, क्या किए हो इसके बाद आप, हाँ जी क्या किए हो, ऐड किए हो, बहुत बढ़िया। ऐड करने पे क्या आया था, वन टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सबका आया था ये, वाव। फिर वन और टू करने पे थ्री, ठीक है। सिक्स और थ्री के साथ हमें क्या करना है, क्या करना है बताइए, हाँ जी मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन, सो द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर इज 18, समझ में आ रहा है, देखो कितना आसान हो गया। अब 18 रेक्टेंगल काउंट करना बहुत ही झमेले वाला काम था, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन किया, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर हमारे सामने है। आसान लग रहा है, चीजें अब क्लियर हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में अब बैठने लगा चीज़ ना, कि हाँ किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, तो वो कितना सिंपल सा है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत मार के आओगे सही आंसर, है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर सो आगे चला जाए क्या, हाँ अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, बताओ क्या है, क्या आएगा इसका आंसर, फटाक से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो क्या किया आप लोगों ने, वन टू थ्री, थोड़ा सा हिंट दिया हूं मैं, फिर नीचे भी क्या करोगे आप लोग, हाँ जी आंसर आना शुरू हो चुका है, चलिए बहुत अच्छा, वाह ठीक है, ठीक है बहुत अच्छा, ओके। जिसका भी आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं आ रहा वो लोग देखो फिर, टू थ्री यहां तक करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस पे और वर्टिकल कॉलम्स पे, वही किया सभी लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें ऐड कर देना है 2 1 3 3 6, और सेम चीज यहां भी अप्लाई करना है 2 1 3 3 6। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 6 तो क्या आने वाला है आंसर हमारा, 36, दैट इज 36। सो द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस शेप इज 36। देखो कितनी जल्दी कुछ सेकंड के अंदर आप लोग ये क्वेश्चन बना ले रहे हो, कितनी एक कमाल की बात है अपने आप में ये, कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आना शुरू हो जा रहा है। सोच पा रहे हो आपके कुछ, आपका टाइम कितना बच जा रहा है, ट्रिक को अप्लाई कर रहे हो आप तो, है कि नहीं। अब इतना टाइम बचा के किसी और क्वेश्चन पे लगाओगे तो वो क्वेश्चन में भी आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो क्वेश्चन आप सही बना के आओ। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करते चलो, ठीक है। कोई क्वेरी आ रही है तो फिर क्वेरी भी अपना आस्क करते चलो, ओके। और सेशन को शेयर कर दो अभी से भी, जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं ज्वाइन हो जाए, ओके ओके। देन वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। 36 रेक्टेंगल्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 36 रेक्टेंगल्स अगर आप लोग ऐसे काउंट करने जाते तो फिर भाई साहब वो तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाता आपके लिए। हाँ ठीक है, फिर चला जाए आगे, ओके सभी लिख कह रहा हूँ नेक्स्ट, ओके। देन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, वाव दिस वन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा लगेगा देखने में, लेकिन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग ट्रिक जान चुके हो।
आपके लिए अभी बिल्कुल चुटकी का क्वेश्चन रह गया, ठीक है, यूं आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, बहुत लोग का आंसर आना शुरू भी हो चुका है, बहुत अच्छा। क्या करना है हमें, नंबरिंग करना है। ओके देन, नंबरिंग करते हैं भाई, 2, 3, 4, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या करना है हमें, वर्टिकल भी नंबरिंग करना है, 2, 3, ठीक है। सभी लोगों ने यही किया हुआ है, क्या आ रहा है फिर ऐड करने पे, 1 + 2 + 3 करने पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे ऐड करने पे 10 आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 करने पे, यही आ रहा है सबका। देखो ना, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, ठीक है। अब इसके आगे तो आप सभी लोग का आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं कर देता हूँ सॉल्व। क्या करना होगा मुझे कि 10 और 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो फिर 10 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो क्या आ जा रहा हमारे पास आंसर, 10 × 6, 10 × 6 = 60, सो द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर इज 60, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को, सेशन कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा, सबका आंसर आ रहा था, ये सब 60 आ रहा था। तो अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हो, सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे आगे के सेशंस में, ठीक है, हमारी कंटिन्यू होंगी क्लासेस, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।